आज सीए कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। टोटल 237 पिटीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 236 का ये कहना है कि ये जो सीए है ये गलत है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इसलिए सीए कानून को भी खत्म किया जाए। जो सीए का रूल नोटिफाई हुआ है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल किया है कि नहीं, ये रूल को भी स्टे कर दिया जाए, सिटीजनशिप न दिया जाए। जो सीए का विरोध करने वाले हैं उनका ये कहना है कि चूंकि इसमें केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई को ही नागरिकता दी जा रही है, मुस्लिम को छोड़ दिया गया है, ये इसलिए आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। हमने उनकी याचिकाओं का विरोध किया है और हमने ये कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, वो अपना सब कुछ छोड़ के भारत में आए हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई अपना खेत खलिहान छोड़ के आए हैं, अपना दुकान मकान छोड़ के आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, अपना व्यापार छोड़ के आए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ इतना भेदभाव होता है, उसको कहना, उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। उनके उनकी फसलों में आग लगा दिया जाता है, उनकी दुकानों को लूटा जाता है, दुकान से सामान लिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अपनी बेटियों को कॉलेज में नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही है। तो जब वो भारत में आए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और ये उस समय भी एग्रीमेंट हुआ था जब भारत का विभाजन हुआ था कि अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी को दिक्कत आएगी तो उसको भारत नागरिकता देगा। ये गांधी जी ने भी कहा था, नेहरू जी ने भी कहा था, सरदार पटेल ने भी कहा था, उस समय के जितने कैबिनेट में लोग, सब लोगों ने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देश विभाजन के बाद तो हम नागरिकता देंगे। इसलिए जो रूल नोटिफाई हुआ उस पर स्टे नहीं होना चाहिए। और वहाँ के नागरिकों को, वहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो आए हुए हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान जो कि दुर्योधन का ननिहाल था, गंधार था, वहाँ वो हिंदू राष्ट्र था 1805 में, पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे वहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते चले गए, अब केवल 20 परिवार बचे हैं। पाकिस्तान, राजा भरत का ननिहाल जो कहके था, हिंदू राष्ट्र था, आज़ादी के समय भी 25% वहाँ हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थे, आज की डेट में केवल 2% बचे हैं। अब वो 2% में जो लोग भारत में आए हैं, अगर उनको सिटीजनशिप भारत में नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ मिलेगी? बांग्लादेश के लगातार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई खत्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए उनको नागरिकता देना बहुत ज़रूरी है। जो 2014 के आए हैं वो बिल्कुल यहाँ पे एक अमानवीय ज़िंदगी जी रहे हैं। 1947 के बाद, 49 के बाद से 2014 के बीच में जितने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू आए, उनमें जिनको नागरिकता नहीं मिली उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। उनको बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनको व्यापार करने का राइट नहीं है, उनके बच्चों का हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही है, उनको वोटिंग का राइट नहीं है, उनको कोई भी बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनको नागरिकता देना इस सरकार की ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। और उस समय भारत पर पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, नेहरू लियाकत समझौता, उसमें भी यही हुआ था कि हाँ, उनको नागरिकता दी जाएगी और उनको कोई दिक्कत आएगी। इसलिए ये जो याचिकाएँ आई हैं सीए कानून के खिलाफ पूरी तरीके से मोटिवेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। और वैसे भी सीए तो नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला थोड़ी है। और नागरिकता देने के लिए भी, वो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को नागरिकता देने के लिए कानून है। भारत में जो लोग रह रहे हैं ना, उनकी इससे नागरिकता जा रही है, ना उनकी नागरिकता छिन रही है, तो फिर भारत के लोग इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। अब इस पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो इनकी याचिकाएँ हैं ये खारिज हो जाएंगी।